तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी को किया जाएगा। इसकी तैयारी विश्व हिंदू परिषद जोर शोर से कर रही है। इसी कड़ी में विहिप झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। हमारे सहयोगी सौरभ राय से बातचीत करते हुए विहिप के प्रांत मंत्री वीरेंद्र साहू ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट के जरिए। वर्षों से हिंदू समाज का राम मंदिर अब पूरा हो रहा है। 2024 जनवरी के तिथि को घोषित किया गया, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया जाएगा। हमारे साथ प्रांत मंत्री हिंदू परिषद के नरेंद्र साहू जी मौजूद है। आज आप लोगों ने झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की है, क्या देखी बात है? जय श्री राम। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला जी का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर का निर्माण हो रहा है और आगामी 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला जी का प्रतिष्ठा ऐसा होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। ऐसे पावन अवसर पर संपूर्ण देश ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू समुदाय उत्साहित है, उल्लासित है और फिर उस पावन घड़ी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने झारखंड प्रांत में भी प्रत्येक घर जाने का लगभग 30 लाख परिवार तक घर जो अयोध्या जी से पूजित अक्षत आया है उसे लेकर के हम घर पहुंचने वाले हैं। भगवान पुरुषोत्तम राम जी का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उसका प्रारूप का चित्र लेकर के साथ ही साथ हम उस दिन क्या कार्यक्रम करने वाले। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आग्रह है कि जो 22 जनवरी का जो तिथि है उस तिथि में आप प्रत्येक देश के प्रत्येक मंदिर को केंद्र मान करके प्रत्येक हिंदू समाज निकल करके वहाँ पर 11 बजे से 1 बजे धार्मिक अनुष्ठान करें। साथ ही साथ जो वहाँ पर आरती होगी उस आरती में अपने स्थान पर ही खड़े होकर के सम्मिलित हों और रात्रि के बेला में दीपोत्सव करके प्रत्येक घर में दीप जला करके उत्सव को पूर्ण करें, ऐसा आग्रह है। इस आग्रह को लेकर के हम प्रत्येक घर जाने वाले हैं। इसी विषय को आज महामहिम राज्यपाल जी की जी को, चूंकि वो प्रांत के प्रथम व्यक्ति हैं, उन्हें भी अवगत कराने के लिए हम लोगों ने आया था और अपना अभियान 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाला है। उन्हें ये बताया कि 1 जनवरी को आपके माध्यम से ही हम प्रथम पूजित अक्षत दे करके आपको यहाँ पर अयोध्या जी के भव्य दर्शन के लिए निमंत्रण देने के लिए आएंगे, ऐसा उनसे आग्रह किए। उन्होंने समय भी आवंटित किया है कि आप सहस आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कल का दिन यानी कि 6 दिसंबर का दिन का भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हमें ज्ञात होना चाहिए जो 6 दिसंबर 1992 था उस दिन गीता जयंती था और हम हिंदी तिथि के अनुसार गीता जयंती के अवसर पर ही एक प्रकार से बजरंग दल के तत्वाधान में सौर दिवस मनाते हैं। इस वर्ष यह तिथि 22 दिसंबर को पड़ रहा है, गीता जयंती। हम सौर दिवस उस दिन मनाने वाले हैं। जो 6 दिसंबर की जो परंपरा चली थी उसे वो मान्य नहीं है, हम 22 दिसंबर को मनाने वाले हैं। बजरंग दल का यह तय है कि प्रत्येक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, साथ ही साथ महाआरती का आयोजन होगा, ऐसा कार्यक्रम 22 दिसंबर को हम सभी ने सौर दिवस के रूप में करेंगे। राज्यपाल